महाराष्ट्र में एक गांव है पैठण। वहां पर हुए संत एकनाथ, वे कृष्ण महाराज के ऐसे दीवाने थे कि कृष्ण महाराज खुद उनके घर में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, पानी भर के लाना, इस तरह के काम करते थे। आपको विश्वास नहीं होगा किंतु ये सत्य है। और उनका नाम था श्री खंडा। हुआ ये कि काशी में एक तपस्वी तप कर रहे थे कृष्ण महाराज के दर्शन के लिए। उनके सामने रुक्मणी प्रकट हुई और कहा, कृष्ण महाराज तो अपने विग्रह में है ही नहीं, वो तो एकनाथ के यहाँ झाड़ू पोंछा कर रहे हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। और वो गए देखने तो अपना भेद खुल जाने के भय से कृष्ण महाराज वो श्रीखंडा वहां से रफू चक्कर गए साफ। एक घटना और हुई संत एकनाथ के साथ। वो स्नान करने इंद्रायणी नदी में गए, एक पान खाने वाला वहां बैठा और उनके ऊपर थूक देता। वो फिर स्नान करते आते और वो फिर थूकता। 21 बार उसने थूका, यहां तक कि पान खाते खाते उसका मुंह कट गया। उसको पकड़ के बड़े प्यार से अपने घर ले गए। तुम्हारा मुंह पान खाने की अधिकता से जल गया है, लो शहद पी लो। एक बार क्या हुआ, काशी जी से गंगा जल ला रहे थे। मैदान में एक गधा मरणासन्न पड़ा हुआ था। वो रुके और अपना सारा गंगा जल उस गधे को पिला दिया। उनके साथियों ने पूछा, ये क्या किया? कहा, गंगा का मिलन गंगा से हो गया। इस गधे को ज्यादा जरूरत थी इस गंगा जल की। तो ऐसे महान संत हमारे भारतवर्ष में हुए जिनकी आत्मा का प्रकाश उस परम ब्रह्म से एकाकार हुआ है। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।